छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राजनांद गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने और शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने नगर निगम द्वारा अब रात में भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसका मानव मंदिर चौक में महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने पार्षदों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ पूजा अर्चना कर वाहन को हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रहण कार्य का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य गणेश पवार, निगम पदाधिकारी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने ठेले खोमचे एवं दुकानों में जाकर कचरा डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में डालने की अपील की। महापौर देशमुख ने कहा कि नगर निगम द्वारा स्वच्छता के तहत अब रात्रि शाम 6 से 11 बजे तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता दीदी रात में लगने वाले ठेले खोमचे एवं अन्य दुकानों में कचरा संग्रहण करेंगे। शहर को साफ सुथरा रखना हमारा एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुबह के अलावा हम शाम को भी नगर निगम द्वारा कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आज हमने उस कार्य का शुभारंभ किया गया। शहर के अंदर खासकर मार्केट के अंदर रात को भी कचरा संग्रहण किया जाएगा। हमारे डोर टू डोर हमारे साथी लोग आएंगे और रात को कचरा उठा के लेके जाएंगे, ताकि सुबह हमारा शहर साफ सुथरा दिखे और कचरा का संग्रहण आसानी से हो जाए और कचरे की कमी होने लगे शहर में, ताकि पूरा डंप हो जाए हमारे सैनिटेशन पार्क में। देखिए, ये माननीय महापौर महोदया की एक अच्छी पहल है। राजनांदगांव हमेशा से सफाई की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ता आया है। आप जानते हैं राजनांदगांव संस्कारधानी है। संस्कारधानी का मतलब पुराने संस्कारों को संरक्षित रखना तो है ही, साथ ही नए संस्कार नई परिपाटी का सृजन कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक साबित हों, मार्गदर्शक साबित हों। तो उसी चीज को चरितार्थ हमने किया है रात्रिकालीन कचरा संग्रहण स्टार्ट करके। खबर कबीर धाम से है, जहां छत्तीसगढ़ में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते वैश्विक पुरातत्विक धरोहर खतरे में है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ की अनदेखी और लापरवाही के चलते 24वीं ईस्वी में फड़ी नागवंशी राजाओं द्वारा निर्माण किए गए 3 शिव मंदिरों की हालत खस्ता बनी हुई है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने छत्तीसगढ़ को इसे सहजने और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी है, मगर विभाग इस प्राचीन शिव मंदिरों को सिर्फ कागजों में सुरक्षा दे पा रहा है। भोरमदेव वह प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिससे कर्बदा कबीर धाम जिला ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ भी पूरे विश्व में जाना जाता है, मगर आज यह विभाग और अधिकारियों की लचर व्यवस्था के चलते नष्ट होने की कगार पर खड़ा है। मंदिर में दरारें पड़ रही हैं, कीड़े मकोड़े अपना घर बना रहे हैं, जाले लगने लगे हैं, पानी का रिसाव होने लगा है, साथ ही मंदिर के भीतरी हिस्से में पानी टपक रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में पेड़ पौधे उगाए हैं, साथ ही इसी तरह के हालात मड़वा महल छेरकी महल की स्थिति पर भी दिखाई पड़ रहा है, जहां बिन देख रेख के और सुरक्षा के अभाव में मंदिर अपना दम तोड़ रहा है। वहीं जैसे मंदिर लोगों के लिए मजाक मात्र बनने जैसा नजर आ रहा है, जहां लोग इतने बड़े धरोहर के ऊपर लेखनीय कर रहे हैं। अभी मैं आया हूँ तो अभी श्रावण मास चल रहा है, भोरमदेव मंदिर में भी काफ़ी रश रह रहा है। जैसे श्रद्धालुओं का आना कम होगा, उसके बाद हम इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे और जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उससे चर्चा करके उसकी जो भी स्थिति है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी आप उसके अतिरिक्त जो दो महल बता रहे हैं, जो पुरातत्व दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है कवर्धा जिले के लिए, उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की।